वेलकम दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुकाबला इसमें जारी है। और दोस्तों यह तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें दोस्तों इंडिया से दोस्तों श्रीलंका की टीम जीत सकती है। दोस्तों इस वक्त 9 गेंदों पर केवल 8 रन चाहिए। दोस्तों इस वक्त 13 चौके श्रीलंका की टीम दोस्तों यहां पर लगा चुकी है। दोस्तों आज के इस मुकाबले में इस वक्त रमेश मेंडिस सामना करते हुए दोस्तों ओवर द विकेट से रिंकू सिंह दाएं हाथ के गेंदबाज दोस्तों इस वक्त अपना पहला ओवर करवाते हुए दोस्तों आखिरी ओवर यहां पे रिंकू सिंह को दिया गया है। दोस्तों आखिरी ओवर दोस्तों यहां पे रिंकू सिंह को दिया गया है यहां पर इस समय, और 9 गेंदों पर दोस्तों 8 रन चाहिए दोस्तों इस समय, और दोस्तों 9 गेंदे अभी बाकी हैं, 8 रन तो दोस्तों यहाँ पर बनाने हैं इस समय, और देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बनता है। दोस्तों 9 गेंदों पर रहा है इस वक्त रमेश मेंडिस दोस्तों सामना कर रहा है इस वक्त रिंकू सिंह की बॉल का, और देखने यहाँ पर दोस्तों इस वक्त बॉलर स्टॉप रिंकू सिंह को इस वक्त स्टॉप किया गया। रिंकू सिंह दोस्तों इस वक्त रुक चुका है, जिसने अपने ओवर में अपने पहले ओवर में दोस्तों यहाँ पर 3 गेंदों पर 1 रन देकर दोस्तों एक विकेट हासिल कर ली है। और अब देखते हैं 2 रन दोस्तों इस गेंद के ऊपर मिल चुके हैं दोस्तों, 8 गेंदों पर अब दोस्तों 6 रन बनाने हैं दोस्तों इस समय। रिंकू सिंह अपनी 4 गेंदों पर दोस्तों केवल 3 रन दे चुका है। दोस्तों अच्छा ओवर करवाते हुए दोस्तों 8 गेंदों पर दोस्तों श्रीलंका को 6 रन चाहिए आज के इस मुकाबले को दोस्तों यहां पर जीतने के लिए। आज दोस्तों यहां पर देखा जाए तो दोस्तों श्रीलंका की टीम ने दोस्तों टॉस जीतकर बॉलिंग फील्डिंग का फैसला किया, इंडिया के हवाले पहले बैटिंग की, तो इंडिया की टीम दोस्तों 137 रन ही बनाए सिर्फ 20 ओवर्स में, 9 विकेटें चली गई। और दोस्तों इस वक्त कमिंग टू मेंडिस और रमेश मेंडिस दोस्तों दोनों बल्लेबाज, डॉट बॉल है यहाँ पे आप दोस्तों लास्ट बॉल करने के लिए रिंकू सिंह दोस्तों यहाँ पे, और ये डॉट बॉल थे दोस्तों शॉर्ट में डिविड की जानी शॉर्ट खेला दोस्तों, लेकिन कोई रन बनाने की जगह ना बन सकी दोस्तों इस समय। 7-6-0-1 का करंट रन रेट जारी है, 5-6-14 का रिकॉर्ड रन रेट है दोस्तों इस वक्त। एक गेंद पर 1 रन की पार्टनरशिप दोस्तों, यहाँ पर गेंद हवा में शॉर्ट खेला है दोस्तों रमेश मेंडिस ने रिंकू सिंह की लास्ट बॉल पर, लेकिन रमेश मेंडिस की इस वक्त दोस्तों यहाँ पर विकेट जा चुकी है दोस्तों इस समय। और यहाँ पर दोस्तों इस वक्त यहां पर अंपायर ने कर दिया इशारा दोस्तों आउट होने का, और यहां पर 6 विकेट दोस्तों यहां पर जा चुकी हैं। अब यहां पर दोस्तों आखिरी ओवर बचा है, और देखते हैं यहां पर दोस्तों आखिरी ओवर किस प्लेयर के हवाले किया जाता है। बहुत ही दिलचस्प हो चुका है दोस्तों ये मुकाबला, ये तीसरा T20 मुकाबला दोस्तों यहाँ पर खेला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों 3 ODI मैचेस भी होने वाले हैं, जो जिनके लाइव स्ट्रीमिंग है, जो लाइव मैच है इसी ही प्लेटफॉर्म पर WSC लाइव प्लेटफॉर्म पर आपको दोस्तों दिखाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों रमेश मेंडिस के बाद अब दोस्तों किस प्लेयर की बारी आती है। तो यहाँ पर विक्रम सिंह है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है इस समय दोस्तों, नया बल्लेबाज विक्रम सिंह है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, और देखते हैं यहाँ पर क्या सीमत है दोस्तों इस समय। लेकिन यहाँ पे दोस्तों को इस वक्त ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है दोस्तों इस समय, और देखते हैं यहाँ पर अब दोस्तों आखिरी ओवर जो है यहाँ पर किस प्लेयर को थमाया जाता है, किस गेंदबाज को थमाया जाता है। एक ओवर में दोस्तों केवल 3 रन देकर 2 विकेटें हासिल की रिंकू सिंह ने, शानदार गेंदबाजी दोस्तों। हालांकि रिंकू सिंह लगातार दोस्तों बॉलिंग करवाता नहीं भी है, लेकिन दोस्तों आज रिंकू सिंह ने बहुत ही शानदार 2 विकेटें निकाली हैं दोस्तों। और इस वक्त फिर दोस्तों मैच फंस चुका है 3 ओवर्स में 11 रन दिए मोहम्मद सिराज ने, और लास्ट ओवर यहां पर आखिरी 6 गेंदें दोस्तों यहां पर दी गई है मोहम्मद सिराज को, और देखते हैं यहां पर मोहम्मद सिराज किस प्रकार से अपना लास्ट ओवर को आ पाएगा दोस्तों। और इस मैच का भी लास्ट ओवर है, मोहम्मद सिराज का भी दोस्तों यहाँ पर लास्ट ओवर है, और देखते हैं बहरहाल दोस्तों अब यहाँ पर क्या सीन बनता है इस समय, और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों इस समय। और इस वक्त 6 गेंदों पर दोस्तों 6 रन बनाने हैं, और कमिंडो मेंडिस इस वक्त सामना कर रहा है, इस कमिंडो मेंडिस और विक्रम सिंह ये दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों आगे की जाने बढ़ते हुए 6 गेंदों पर केवल 6 रन बनाने हैं दोस्तों इस समय। और ये तीसरा T20 मुकाबला दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ, और देखना होगा दोस्तों यहाँ पर इंडियन दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में, उसके ताकों में श्रीलंका की बैटिंग जारी है दोस्तों, और 6 गेंदों पर केवल 6 रन बनाए हैं। और यहां पर दोस्तों इस वक्त स्कोर कार्ड की भी दोस्तों हम बात कर सकते हैं आज के मुकाबले में दोस्तों। यहाँ पर अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए दोस्तों, अगर इंडिया की दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया की जानिब से दोस्तों पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं, चूँकि श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, चले हम इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ इंडिया यहाँ पर चूँकि श्रीलंका की बैटिंग इस वक्त जारी है, तो पहले हम इंडिया के दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल ने 10 रन बनाए, और शुभमन गिल ने 39 रन बनाए, और दोस्तों इसके साथ सूर्य कुमार यादव ने 8 रन बनाए, शिवम दुबे ने दोस्तों यहाँ पर 13 रन बनाए। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त फील्डिंग चेंज की जा रही है, फील्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर इस समय चेंज की जा रही है दोस्तों।
कुशल मेंडस और चविंदू विक्रम सिंह दोस्तों इस वक्त यहाँ पर दोस्तों खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस समय। और यहाँ पर दोस्तों शिवम डूबे ने 13 रन बनाए, रियान प्राग ने 26 रन बनाए दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने 25 रन बनाए दोस्तों आज के 30 टी ट्वेंटी मुकाबले में। वही दोस्तों श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जानब से यहाँ पर दोस्तों बात की जाए प्रथम ने सरकार ने 26 बनाए, कुशल मेंडस ने 43 रन बनाए दोस्तों इसके साथ दोस्तों, कुशल परेरा ने 46 रन बनाए, वनिंदू हसरंगा ने 3 रन बनाए दोस्तों इसके साथ साथ, रमेश मेंडस ने 3 रन बनाए और कमिंटू मेंडस ने 1 रन बनाया दोस्तों, एक्स्ट्रा 10 रन मिल चुके अब तक 6 गेंदों पर दोस्तों, केवल 6 रन बनाने हैं और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है। आखिरी ओवर दोस्तों यहाँ पर अब इंतज़ार के साथ दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर आगे की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों इस समय यहाँ पर दोस्तों कमिंटू मेंडस और कुशल मेंडस दोस्तों और चमिंडू विक्रम सिंह है इसमें दोस्तों, दोनों की पार्टनरशिप का सिलसिला आगे की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आखिरी ओवर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन चेंज कर दिया गया है दोस्तों, बॉल को स्टॉप किया गया है और यहाँ पर मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर चमिंदू विक्रम सिंह है दोस्तों, 4 ओवर में 17 ने 4 ओवर में 28 रन दिए, सबसे ज़्यादा 3 विकेट हासिल की, आसिथा फिनांडो ने दोस्तों 11 विकेट हासिल की, रमेश मेंडिस ने 3 ओवर में दोस्तों यहाँ पर 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या समझता है। वेलकम दोस्तों यहाँ पर वहाँ मुकाबला दोस्तों यहाँ पर जारी, और इस और दोस्तों वो फिर और दिलचस्प हो चुका दोस्तों, मज़ीद दिलचस्प हो चुका है दोस्तों ये मुकाबला, मज़ीद दोस्तों यहाँ पे दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने विकेट निकाली है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन दोस्तों इस वक्त खुद आ चुके हैं मैदान में और खुद दोस्तों पहला ओवर करवाते हुए सूर्य कुमार यादव दूसरी बॉल पर, पहली डॉट बॉल दूसरी पर विकेट निकाली है कमिंडू मेंडिस की। वाह, आज कैप्टन ने कहा कि मैं मैदान में उतरता हूँ और यहाँ पर मैं विकेट निकालता हूँ। ये सूर्य कुमार यादव ने आज दोस्तों फिर से अकल दौड़ाई और आज का मैच फिर दोस्तों इंडिया की टीम निकालने वाली है। पहले भी दोस्तों पहला टी20 मुकाबला भी सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों अपने हाथ लिया था, निकाला था, आज फिर से दोस्तों यहां पर कमिंडू मेंडिस के बाद दोस्तों माहिश दीक्षाना इस वक्त दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आ चुका है मैदान में दोस्तों इस समय, और माहिश दीक्षाना दोस्तों यहाँ पर 7 विकेटें दोस्तों इस समय जा चुकी हैं दोस्तों, इस समय 7 विकेटें 4 गेंदों पर दोस्तों 6 रन बनाने के, केवल बहुत ही दिलचस्प दोस्तों यहाँ पर आज का होता हुआ मुकाबला दोस्तों इस समय। माहिश दीक्षाना दोस्तों 0-0, विक्रम सिंह है 0-0, सूर्य कुमार यादव कैप्टन दोस्तों खुद बॉलिंग करवा रहा है दोस्तों, और ये दोस्तों यानी पहला और आखिरी ओवर दोस्तों सूर्य कुमार यादव बॉलर को स्टॉप किया गया है, सूर्य कुमार यादव रुक चुका है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प हो चुका है दोस्तों यहाँ पर मुकाबला इस समय। और अपनी तीसरी बॉल करवाते हुए सूर्य कुमार यादव माहिश दीक्षाना सामना करते हुए अपील की जा रही है डॉट बॉल दोस्तों, यहाँ पर डॉट बॉल है, अब 3 गेंदों पर दोस्तों 6 रन बनाना है दोस्तों सूर्य, यहाँ पर इंडिया के चांसेस दोस्तों यहाँ पर फिर बढ़ चुके हैं दोस्तों, थर्ड अंपायर के पास भी फैसला, यहाँ पर बॉलिंग रिव्यू दिखाया जा रहा है दोस्तों इस समय, और देखते क्या सीन बनता है दोस्तों। माहिश दीक्षाना सामना किया, एक बॉल खेली दोस्तों यहाँ पर, लेकिन बॉलिंग रिव्यू दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन है, क्या नो बॉल तो नहीं है सूर्य कुमार यादव की, ये बॉल कैच चेक किया जा रहा है दोस्तों इस समय, माहिश दीक्षाना का कैच दोस्तों यहाँ पर चेक किया जा रहा है इस समय माहिश दीक्षाना। और आज दिलचस्प फिर से एंड पे जाके मैच फिर दिलचस्प हो चुका है दोस्तों यहाँ पर इस वक्त, फिर से दोस्तों दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए दोस्तों मैच कैच चेक किया जा रहा है दोस्तों इस समय, यहाँ पर कैच चेक किया जा रहा है दोस्तों इस समय, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पर माहिश दीक्षाना दोस्तों बच पाएगा या फिर यहाँ पे विकेट जाएगी दोस्तों, ये देखना होगा। कैच थर्ड अंपायर के पास दोस्तों यहाँ पे फैसला हो चुका है दोस्तों, जा चुका है दोस्तों। तीसरा टी20 मुकाबला भी दोस्तों इंडिया की टीम हारते आते और ये विकेट जा चुकी है लगातार, माहिश दीक्षाना के भी विकेट दोस्तों यहाँ पर जा चुकी है, बहुत दिलचस्प हो चुका है दोस्तों आज का मुकाबला, माहिश दीक्षाना के भी विकेट जा चुकी है, इंडिया दोस्तों हारते हारते फिर जीत रही है और ये हैट्रिक बॉल सूर्य कुमार यादव 3 गेंदों पे 2 रन और ये हैट्रिक बॉल है दोस्तों यहाँ पर इस समय, हैट्रिक बॉल दोस्तों यहाँ पर इस समय सूर्य कुमार यादव हैट्रिक बॉल दोस्तों यहाँ पे करवाते हुए इस समय
बहुत ही दिलचस्प हो चुका है दोस्तों यहाँ पर इस समय मुकाबला, और देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बनता है दोस्तों आज के इस मुकाबले में। और दोस्तों आविश इसके साथ दोस्तों असीथा फिनंडो नया दोस्तों प्लेयर इस समय मैदान में दोस्तों यहाँ पर इस समय उतर चुका है दोस्तों। असीथा फिनंडो दोस्तों यहाँ पर है इस वक्त मैदान में उतर चुका, और हैट्रिक बॉल दोस्तों यहाँ पर है, अच्छी बॉल माइश तकशाना को यहाँ पे दोस्तों आउट कर दिया गया है। ऐसी था फर्नांडो इसमें दोस्तों यहाँ पर इस समय मैदान में, और हैट्रिक बॉल दोस्तों यहाँ पर कौन पे सूर्य कुमार यादव दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तैयार है इस समय, और 3 गेंदों पे 6 रन बनाना है दोस्तों इस समय सूर्य कुमार यादव दोस्तों यहाँ पर दौड़ते हुए, और अपनी चौथी बॉल करवाने के लिए तैयार दोस्तों सूर्य कुमार यादव। लेकिन सिंगल मिल चुका है दोस्तों यहाँ पर इस समय, सिंगल मिल चुका है दोस्तों, और इस वक्त यहाँ पर फिर से दिलचस्पी का मंजर पेश करता हूँ दोस्तों आज का ये मुकाबला। 2 गेंदों पर 5 रन बनाने हैं, 2 गेंदों पर दोस्तों यहाँ पर इस समय 5 रन बनाए दोस्तों, और दिलचस्प हो चुका है दोस्तों आज का ये बढ़िया मुकाबला जिसमें देखा जाए तो 2 गेंदों पर 5 रन बनाए दोस्तों। इंडिया की टीम हारते हारते दोस्तों यहाँ पर मैच जीत रही है दोस्तों इस समय इंडिया की टीम दोस्तों। यहाँ पर असीथा फिनंडो और विक्रम सिंघे के बीच में का पार्टनरशिप का सिलसिला जारी है, और इंडिया के चांसेस दोस्तों अब बढ़ चुके हैं। जाते जाते दोस्तों यहां पर इंडिया की टीम मैच अपने नाम कर चुकी है दोस्तों, हारते हारते ये मैच अपने नाम दोस्तों यहां पर इंडिया कर चुकी है। तो बॉल्स पे 5 रन चाहिए श्रीलंका को जीतने के लिए, लेकिन मुश्किल हो रहा है दोस्तों। अच्छा चमिंडू विक्रम सिंह बाएं हाथ का बल्लेबाज सामना करते हुए, और राइट आर्म ऑफ स्पिन को अराउंड द विकेट से दोस्तों सूर्य कुमार यादव स्पिन बॉलिंग करवाते हुए दोस्तों इस समय, और अपनी 5वीं बॉल करवाने के लिए दोस्तों तैयार होंगे सूर्य कुमार यादव। 2 गेंदों पर 5 रन बनाए श्रीलंका ने, और दिलचस्प हो चुका है दोस्तों यहाँ पर आज का मुकाबला। इंडिया दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हारते हारते जीत रही है, बिल्कुल आराम से हारते हारते दोस्तों यहाँ पर इंडिया जीत रही है। बहुत ही दोस्तों अजीब और गरीब सिलसिला यहाँ पर दोस्तों देखने को अब मिला है यहाँ पर, और 2 रन दोस्तों यहाँ पर मिल चुके हैं। अब 1 गेंद पर दोस्तों केवल 3 रन चाहिए, और इस वक्त दोस्तों यहाँ पर ये 2 रन मिल चुके हैं दोस्तों। गुड लेंथ की बॉल थी, और दोस्तों सामना किया चमिंडू विक्रम सिंघे ने, और दोस्तों यहाँ पे शॉट खेला भाग कर 2 रन पूरे किए, और इस वक्त दोस्तों यहाँ पे लास्ट बॉल पे फिर से दोस्तों चमिंडू विक्रम सिंघे सामना करते हुए दोस्तों, चमिंडू विक्रम सिंघे 1 गेंद पर 3 रन चाहिए दोस्तों यहाँ पर इस समय, और यहाँ पे चौका छक्का ना लग सका तो फिर दोस्तों मुश्किल हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों भाग दौड़ करके 3 रन दोस्तों बहुत ही कम बनते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन अब मुश्किल है चूँकि यहाँ पे चौका या छक्का लगाने से दोस्तों श्रीलंका जीत सकती है। अदरवाइज दोस्तों ये मैच भी इंडिया की टीम दोस्तों T20 तीसरा भी अपने नाम करने वाली है। इसके बाद 3 ODI मैचेस दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलने वाले हैं लाइव, यहाँ पर लाइव मैचेस दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं। WSC लाइव को दोस्तों लाइव मैचेस यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाए जा रहे हैं, और लास्ट बॉल पर दोस्तों 3 रन चाहिए दोस्तों इस समय, और सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है दोस्तों यहाँ पर वो अपना दोस्तों पहला और आखिरी ओवर कराते हैं, यानी एक ही दोस्तों आज के इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों यहाँ पे ओवर करवाया है, और वो वाला ओवर दोस्तों यहाँ पे लास्ट ओवर है, और इस वक्त सूर्य कुमार यादव दोस्तों लास्ट बॉल करवाने के लिए तैयार, बॉल करवाना होगी दोस्तों यहाँ पर इस समय। लेकिन देखते हैं 2 रन मिल चुके, स्कोर लेवल हो चुका है दोस्तों इस समय, और दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं क्या सीन बनता है। दोनों टीमों के रन बराबर हो चुके हैं, दोनों टीमों के रन बराबर हो चुके हैं दोस्तों इस समय, लेकिन देखते हैं अब यहाँ पर क्या सीन बनता है। यहाँ पर तो टीमें दोनों बराबर हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों मैच कौन सी टीम जीतेगी, मैच दोस्तों यहाँ पे कौन सी जीत, स्कोर लेवल हो चुका है दोस्तों। ये कभी कभार दोस्तों ऐसा हुआ करता है कि स्कोर दोस्तों लेवल हो जाता है, स्कोर बराबर हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सुपर ओवर दोस्तों करवाया जाने वाला है। सुपर ओवर में दोस्तों यहाँ पे देखना होगा कि सुपर ओवर में दोस्तों यहाँ पर कौन सी टीम जीत पाएगी, लिहाजा सुपर ओवर दोस्तों यहाँ पर मैच टाइड हो चुका है दोस्तों इस समय, मैच टाइड हो चुका है दोस्तों इस समय, और देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बनता है दोस्तों इस समय। 6.85 करंट रन रेट से दोस्तों मैच चला है, और कमाल हो चुकी है दोस्तों आज के इस मुकाबले में, बहुत ही दिलचस्प हो चुका है दोस्तों आज का ये मुकाबला। और यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कमाल दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी यूज़ की है, और अपने लास्ट एक ही ओवर में दोस्तों 5 विकेटों पे 1 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट, सुपर ओवर इन प्रोग्रेस है दोस्तों इस समय, और यहाँ पर सुपर ओवर दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रेस में है, सुपर ओवर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, और फिर देखना होगा सुपर ओवर में दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है दोस्तों इस समय, और यहाँ पर कौन सी टीम दोस्तों यहाँ पर जीत पाएगी। मैच टाइड हो चुका है दोस्तों इस समय,
और तैयारी पकड़ी है दोस्तों यहाँ पर सुपर ओवर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों सुपर ओवर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है वो बिल्कुल दोस्तों इक्वल हो चुका है दोस्तों इस समय, लिहाजा आज आपको सुपर ओवर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सुपर ओवर में कौन सी टीम जीत पाएगी।